हेलो फ्रेंड्स, अभी आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये है डीजे स्टोन ब्रांड का मॉडल नेम डीजे 1010 फायरलाइट वर्जन 1.1। फ्रेंड, इसमें काफी सारी वैरायटी आती है डीजे 1010 में, जैसे कि हमारा एक आता था डीजे 1010 प्रीमियम क्लासिक लुक में, दूसरा हमारा आता था डीजे 1010 फायरलाइट। और जो फायरलाइट मॉडल होता था उसमें साइड में स्ट्रिप्स नहीं होती थी, इस तरह की मैजिक लाइट कह लीजिए या बेंजल लाइट कह लीजिए, वो नहीं होती थी। ये वर्जन 1.1 है, ये अपग्रेडेड मॉडल है। और बाकी आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, बिकॉज आपने मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट पे बहुत सपोर्ट दिखाया, काफी अच्छे अच्छे फीडबैक मिले कि टिंकू भैया मजा आ गया, क्वालिटी काफी अच्छी लगी, फैमिली मेंबर्स को अच्छे लगे, फ्रेंड सर्कल में अच्छे लगे, जो सिंगिंग करते हैं ना, सिंगिंग करने वालों को भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसके वोकल है वो काफी क्लियर है, काफी शानदार है और प्रोडक्ट भी क्वालिटी का है। और बाकी रहा सवाल फ्रेंड, अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा चाहिए तो मैं देता हूँ। आमतौर पर मैं थोड़ा सा एडवांस लेता हूँ, बाकी डिलीवरी के टाइम डिलीवरी बॉय कैश लेता है। एडवांस लेने का रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है फ्रेंड, कि देखो काफी लोग सीरियस नहीं होते, मजे मजे में ऑर्डर्स डाल देते हैं और जब पेमेंट की बारी आती है तो बोलते हैं भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, तनख्वाह नहीं आई है, कोई भी XYZ रीजन लगा देते हैं। देखो जो कैंसिल करता है उसको दर्द नहीं होता। आज मैं सामान पैक कर रहा हूँ, पैकेजिंग पे काम कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मेरा खर्चा आता ही है। बेसिक मैं अभी डिलीवरी का चार्ज नहीं ले रहा, बट भेजने का तो खर्चा तो आता ही है ना मेरे भाई, थोड़ा बहुत। तो इस तरह की मैं थर्मोकोल की शीट डालता हूँ और ये शीट भी काफी एक्सक्लूसिव होती है। आमतौर पे जो सेलर है इस तरह की शीटें डालते नहीं है, बट मैं डाल के चलता हूँ, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन टू लोकेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन, कहाँ भेजना है कहाँ नहीं। तो फ्रेंड देखो, सामान भेजूंगा छोटा मोटा तो मेरा खर्चा आएगा, आप भी खुश सोचो, अगर मैं आपसे सामान मांगू तो आप क्या चाहोगे, कंप्लीट पेमेंट चाहोगे ना। जो मेरे पे विश्वास करते हैं ना वो तो पूरा पेमेंट कर भी देते हैं, जिनको फर्स्ट टाइम होते हैं जिन्होंने लेना होता है 10 क्या वो 20% भी दे देता है। तो फ्रेंड मैं अभी ऑल ओवर इंडिया सामान भेज रहा हूँ, सीओडी की फैसिलिटी दे रहा हूँ, डिलीवरी का अभी कोई चार्ज ले नहीं रहा। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है 29 सितंबर 2024 की, सिर्फ अंदमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ के बाकी जगह कोई डिलीवरी चार्ज ले नहीं रहे। फिलहाल आप देखिए आपको ओवरऑल ये प्रोडक्ट कैसा लगा कैसा नहीं जरूर बताइएगा। और फ्रेंड अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ये देखिए ये जो है ये 10 इंची का ड्राइवर है, ये 10 इंची का ड्राइवर है, ऊपर लगा है 4 इंची का ट्विटर, ऊपर लगा है 4 इंची का स्पीकर। और फ्रेंड लुक देखो कितनी अमेजिंग लग रही है, आप खुद सोचो अगर आपके पास इस प्रकार का प्रोडक्ट होगा, अगर आप सिंगिंग करना चाहें तो आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप आपके पास कोई टैबलेट है उसमें भी चलाना चाहे चला सकते हैं, ब्लूटूथ कंपेटेबल होना चाहिए, पेन ड्राइव चला सकते हैं, इसको ऑक्स पे चला सकते हैं, और क्या चाहिए। और सबसे अच्छी बात बताऊं फ्रेंड, इसके अंदर TWS का फीचर है, ट्रू वायरलेस स्टीरियो, यानी अगर आपको सेम प्रोडक्ट है एक बॉक्स और लेते हो तो वो वायरलेसली आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि एट अ टाइम 4 बॉक्स चलेंगे और ब्लूटूथ आपको एक से कनेक्ट करना है और चारों में आवाज आने लग जाएगी। कैसा लगा कैसा नहीं जरूर बताना। और फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया डीजे स्टोन का डीजे 1010 फायरलाइट वर्जन 1.1 है। इसकी खासियत क्या है, जो फ्रेंड फायरलाइट मॉडल आता था पहले जो अभी आ भी रहा होगा, तो फिलहाल उसमें क्या यहाँ पे लाइट नहीं होती थी। आप सबने बोला टिंकू भैया कुछ ऐसा इनोवेशन करो कि आप हमें ऊपर की तरफ भी लाइट दो, जो नीचे लाइट चल रही हो तो वही लाइट ऊपर भी चल रही हो। और आपने देखा होगा इसका आपस में समन्वय इतना प्यारा है, जो लाइट यहाँ चल रही है वही लाइट यहाँ चल रही है, सेम एज इट इज, लुक काफी प्यारी है। और सबसे अच्छी बात है कि हम भारतीय किसी से कम नहीं है, क्वालिटी देखिए ना किससे कम है, जबरदस्त है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट करो, इससे होता क्या है देश की इकोनॉमी बढ़ने में भी हेल्प होती है, रोजगार भी उत्पन्न होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने लकड़ी बनाई है, कैबिनेट बनाई है, उसको जॉब मिली, किसी भाई ने ग्रिल बनाई है उसको जॉब मिली, साथ ही साथ किसी ने फिल्म चिपकाई है पीछे इम्पोर्टेड फिल्म लगी हुई है यहाँ पे उसको जॉब मिली, किसी ने इसको ड्राइवर कसे होंगे, किसी ने इसका देखा जाए मॉस्फेट्स बनाए होंगे ट्रांजिस्टर वगैरह, तो उसको भी जॉब तो मिली ही होगी ना, बढ़िया चीज है, विश्वास करिए मजा आएगा। और बाकी जल्द से जल्द बुक करें कहीं ये ना हो कि स्टॉक खत्म हो जाए। फिलहाल मैं शिपमेंट दिल्ली से भेज रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, बाकी तो मैंने आपको बताया ही है, बाकी आप EMI कराना चाहें तो क्रेडिट कार्ड के जरिए भी करा सकते हैं। बाकी लुक इसकी लाइट देखिए, इसमें जो एक प्रोग्रामिंग करी हुई है, इसका जो लाइटिंग है ना ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही चेंज होती रहेंगी। दूसरा जैसे मैंने बताया, चलो अब एक काम करते हैं ना, एसेसरीज दिखाता हूँ। इस प्रकार की प्यारी सी एसेसरीज आती है, एक रिमोट कंट्रोल आता है, एक ये माइक आता है, रिमोट कंट्रोल भी आप देखिए कितना प्यारा है। पहले हम माइक की बात करते हैं फ्रेंड, ये इको वाला माइक है, किसी ने सिंगिंग करनी है, किसी को इको का इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए तो कामयाब है ही है, मैं बोलता हूँ। ये देखिए देखिए देखिए, एक बार बोल रहा हूँ बार बार, आवाज अरे कैसा लगा कैसा नहीं जरूर बताओ। इको वाला माइक है, इको वाला, इको मैं अभी इसका जीरो कर देता हूँ।
जागरण करना हो, पाठ पूजा करना हो, आप अपने पुरोहित को भी गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ आइए मैम, थोड़ा बहुत दिखा देते हैं अपने भाई बहनों को। यहाँ पे अगर आप देखोगे, दो माइक अलग से लगाना चाहें दो माइक अलग से लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप इको की सेटिंग कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरह, जैसे कि आप देख रहे हो, जहाँ दो माइक लगाना चाहे दो माइक अलग से लगा सकते हो। ये माइक का वॉल्यूम की एडजस्टमेंट है, इको की एडजस्टमेंट है, सिस्टम का ओवरऑल वॉल्यूम ट्रेबल बेस काफी शानदार है। यहां से अभी मैं इको जीरो करता हूँ और रूम की लाइट भी ऑफ करता हूँ, और दोनों की ये देखिए, मैं भी तो इको ऑलमोस्ट जीरो कर रहा हूँ, फिर हम माइक चला के दिखाएंगे, और मैं रूम की भी लाइट बंद करवा रहा हूँ। तो आप बताना जरूर कैसा रहा कैसा नहीं, जरूर बताना, और कोशिश रहेगी मेरे अपने भाई बहनों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। रूम की कंप्लीट लाइट ऑफ कर दिया है। आप बताओ आपको कैसा लगा कैसा नहीं, आप खुद इमेजिन करिए, इस प्रकार का अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा तो घर में फैमिली मेंबर्स को कितना अच्छा लगेगा, बर्थडे पार्टी के इवेंट्स में कितना अच्छा लगेगा, अगर आप टेरेस में चला रहे हैं कैसा लगेगा, रात के टाइम पार्टी कर रहे हैं तो कैसा लगेगा, मजा ही मजा है, और काफी खूबसूरत प्रोडक्ट है। मैंने तो जैसे इसका इको जीरो कर दिया था, मैं एक काम करता हूँ, मैं माइक ऑन करता हूँ। ये देखिए, सिंगिंग करना हो सिंगिंग कर लो, एंजॉय करना है एंजॉय कर लो, मजा ही मजा, पार्टी ही पार्टी, और सिंगिंग करो जो मर्जी करो, दिस विल डिपेंड ऑन यू। अगर आप सिंगिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं यू विल लव इट। मैं काम करता हूँ, रूम की जो लाइट है वो ऑन कर देता हूँ, सो दैट कि आप सबको मजा आ सके, आप सब एंजॉय कर सके। आप बताना कैसा लगा कैसा नहीं, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये डीजे स्टोन ब्रांड का मॉडल नेम है डीजे 1010 फायरलाइट वर्जन 1.1, अमेजिंग प्रोडक्ट, खुशियों की है बात। ये है डीजे स्टोन ब्रांड का मॉडल नेम डीजे 1010 फायरलाइट वर्जन 1.1, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका जो उत्पादन हो रहा है वो भारतवर्ष में हो रहा है, और शिपमेंट अभी दिल्ली से जा रही है ऑल ओवर इंडिया। हो सके जो अच्छे सेलर्स हैं जिनका नाम चलता है मार्केट में, उनको मौका दीजिए, जैसे कि टिंकू भाई दिल्ली से शिपमेंट जाती हैं। तो चलिए, मैंने आपको माइक के बारे में बताया, चलो रिमोट कंट्रोल भी दिखाना चाहूंगा, आइए। तो इस प्रकार का एक रिमोट कंट्रोल आता है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये म्यूट है, पावर ऑन ऑफ का बटन है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का है, इक्वलाइजर का ऑप्शन दिखा रहा है। और फ्रेंड, मार्केट में आपने देखे होंगे काफी सारे टावर आते हैं, कई लोग काफी लोकल वाले रिमोट कंट्रोल डालते हैं, सस्ते वाले। मैं देखो परवाह नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ कि अच्छा ब्रांड देने, अच्छा प्रोडक्ट देने, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी शुड बी बेटर, सो दैट यू विल लव इट। आप बताओ किस चीज की कमी है, अच्छी क्वालिटी का मैं आपको रिमोट कंट्रोल दे रहा हूँ। माइक आपने देखा होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कोई लैग नहीं, जब आप माइक यूज कर रहे होते हैं आवाज कड़बड़ छड़बड़ हो रही होती है, ट्रर ऐसी आवाज आ रही होती है, तो फ्रेंड आप में हमारे में सिंगिंग करो, इंजॉय करो, सिंगिंग प्रैक्टिस करो, कैरोके सेशन करो, और क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप बताओ किससे क्या कम है ना। अब हम बात करते हैं फ्रेंड बटन्स की, ये देखिए ये अपना है मोड बटन, MOD ही मोड, यहाँ पेन ड्राइव लगा लो, ये देखिए प्रीवियस नेक्स्ट प्ले पॉज, अमेजिंग, मेरे को तो बहुत पसंद आया, सही बताऊं, क्योंकि मैं काफी लोगों को ऑलरेडी सेल कर चुका हूं, और मैंने मंदिर में भी दिया हुआ है, कईयों ने परचेज किया हुआ, कई आर्मी मैन ने भी परचेज किया हुआ है, सभी को अच्छा लगा है। मौका आपने देना, ये वीडियो अभी की अभी शेयर करनी है फ्रेंड सर्कल में, भारतीय किसी से कम नहीं है। और रहा सवाल, आप चाहे इसको फेसबुक में शेयर करो, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, जरूर लगाओ, अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। अब आपके मन में क्वेश्चन आओ, टिंकू भैया प्रोडक्ट तो काफी शानदार है, तो आप इसकी हाइट के बारे में बता दीजिए, हाइट के बारे में बता दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी हाइट है 5'8", मेरी कमर तक आ रहा है। ये मैंने जो बनाया है फैमिली के लिए बनाया है, इंडोर फंक्शंस के लिए बनाया है, आउटडोर के फंक्शंस के लिए बनाया है, फैमिली के पर्पज से, जैसे घर में मॉम डैड की एनिवर्सरी आ गई, बच्चों की बर्थडे वगैरह आ गए, उनके सेलिब्रेशन के लिए किसी को गिफ्ट करना हो, अफोर्डेबल प्राइस में, चीज तो अच्छी है ना। बाकी मैं काम करूंगा, अगर आप YouTube पे देख रहे हो, मेरे YouTube का चैनल का नेम है टिंकू भाई, तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में परचेज का लिंक डाल दूंगा, अन्यथा यहाँ पे नंबर आ रहे होंगे, आप मुझे कॉल कर लेना, संपर्क साध लेना, नहीं तो मेरी वेबसाइट तो है ही है tulipsmile.com। अगर आप Facebook पे देख रहे होंगे तो ऊपर की तरफ जो डिस्क्रिप्शन होगी ना, वहीं कहीं मैं उसका परचेज का लिंक डाल दूंगा। चलो बिना समय बर्बाद किए एक काम करते हैं, फिलहाल हम क्या करते हैं, डायमेंशंस, ये देखिए ऊपर से दिखाता हूँ आपको, अप्रोक्सीमेटली अगर आप ध्यान दो 30 सेंटीमीटर के आसपास है, 30 सेंटीमीटर के आसपास ही है, 30 सेंटीमीटर में जो भी वैल्यू आपको बता रहा हूँ दैट्स अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, और ये है आपका 30.2 सेंटीमीटर के आसपास, 30.2 सेंटीमीटर के आसपास। आपको आइडिया लग गया, कल को ये तो नहीं कहोगे टिंकू भी आपने हाइट नहीं बताई, ये लिए
अब देखिए हाइट रहेगी, हाइट बता देता हूँ, ये देखिए 92 सेंटीमीटर के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली 3 फुट हो गया, काफी है। और क्या चाहिए, बढ़िया प्रोडक्ट है, मौका जरूर दीजिए आप। और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, बाकी हो सके भारतीय ई कॉमर्स को सपोर्ट करो, अच्छे सेलर्स को सपोर्ट करो, मौका जरूर दो। थोड़ा सा तो अमाउंट देना, कोई पूरा पैसा तो हम आपसे वैसे भी नहीं ले रहे सीओडी में, 10% लेंगे बाकी डिलीवरी के टाइम, जिसने लेना होता है 10 क्या वो 20% भी दे देता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, टिंकू भैया प्रोडक्ट तो बड़ा शानदार है, मजा आ गया, अगर मुझे इसको लाइट ऑन ऑफ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड मैंने ना बैक साइड में इसका लाइट ऑन ऑफ का बटन भी बनाया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूं, आप जरूर देखिएगा, आप जरूर बताइएगा। ये देखिए लाइट ऑन ऑफ का बटन है, ये देखिए लाइन इन के साथ लाइन आउट है, पावर ऑन ऑफ का बटन है, और फ्रेंड वहां से ना 2 केबल आ रही होती है, ये ध्यान रखना, रेड और यूएसबी वाली। ये देखिए एक ये केबल आ रही है ना, ये देखिए साइड से दिखा रहा हूं, लाल को लाल में लगाना यानी कि पॉजिटिव है, काले को काले में ही लगाएगा यानी कि ये नेगेटिव है। तो आपको ऐसे ही लगाना है, लाल को लाल में, काले को काले में, बटन दबा के। ये पेन ड्राइव टाइप में लगता है, ठीक है, मेल फीमेल का सॉकेट होता है, आपको आपस में कनेक्ट करना है, अगर इसमें कनेक्ट नहीं करोगे ना तो यहाँ पे वाले में लाइट नहीं आएगी। और फ्रेंड लाइट ऑन ऑफ का बटन ये है, बाकी आप बताओ। और हीट सिंक देखो ना कितनी हैवी हीट सिंक है, क्वालिटी वाला मटेरियल है, लुक काफी प्यारा है, ताकि जो अंदर के ट्रांजिस्टर वगैरह है या जो भी टेक्नोलॉजी है सही रहे, सेफ रहे। और ये देखिए चौड़ाई देखिए, कोई चीज है और उठाना करना मुश्किल ना हो, हैंडल तक भी दे रखे हैं। तो आप बताओ आपको प्रोडक्ट कैसा लगा कैसा नहीं। अब हम आपके लिए ट्रैक चलाते हैं, आप जरूर बताना टिंकू भैया कैसा लगा, हेडफोन जरूर लगा लो सो देट आप सबका मेरा टाइम बचे। चलिए ट्रैक चलाए बढ़िया सा, एक काम करते हैं टॉप स्पीड का चला लेते हैं और हिप हॉप में। ये देखिए एक ट्रैक चला रहे हैं बढ़िया सा, मैंने ऑलरेडी पेयर कर दिया। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सॉन्ग के साथ आप आइडिया लगा सकते हैं कि कोई सिंगर गाना गाने लगे तो उसका इफेक्ट कैसे रहेगा। आई एम नॉट अ सिंगर बट फॉर यू आई कैन डू दिस। देखिए आपके सामने बोल रहा हूँ कैसा लगा कैसा नहीं जरूर बताना, आवाज पीछे फटने रही। फ्रेंड मैंने सॉन्ग मैंने बंद कर दिया, ओवरऑल दिल खुश हो गया, आत्मा तृप्त होगी। इसका रीजन क्या लगा, एक तो फुल वॉल्यूम पे आवाज फटती नहीं है, लो वॉल्यूम पे चलाओ, मिड पे चलाओ, हाई पे चलाओ, साउंड इज क्लियर, अमेजिंग, लवली, और सिंगिंग के लिए तो कंपैटिबल है ही है। तो हमने कोशिश करी प्रोडक्ट के बारे में बताने की, तो आई होप आप हमें मौका जरूर देंगे टिंकू भैया को, दिल्ली वाले सुभाष नगर वाले टिंकू भाई। बाकी अगर आप देख रहे हैं ये है डीजे स्टोन ब्रांड का मार्का, रजिस्टर्ड ब्रांड है। अब आपको एक काम करते हैं, हमने आपको बताया लाइट ऑन ऑफ के बटन बताए, बैक साइड का बताया मैंने, कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम जो ऑर्डर की पैकेजिंग होती है हमारी, किस प्रकार की पैकेजिंग होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो के तहत दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स चलिए मैं आपको पैकेजिंग दिखाता हूँ, इंटरनल पैकेजिंग कैसे होती है वो भी तो आपको आइडिया लगना चाहिए ना मेरे भाई बहनों को जो वीडियो देख रहे हैं। ये देखिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग देखिए साइड साइड की जगह पे हमने थर्मोकोल की शीट्स डाली हुई है, अगर आप ध्यान से देखें इस तरफ भी और साइड साइड में भी, यहाँ पे कोने कोने में हमने थर्मोकोल की शीट डाल दी, इंटरनली कितना प्रोटेक्टिव हो गया। बाकी अगर आप ध्यान दें, अगर मैंने थर्मोकोल का ये प्रोटेक्शन के लिए बनवाया हुआ है, इसकी आप मजबूती देखो, कहीं से कोई कंजूसी नहीं है, क्वालिटी में पूरा ध्यान दिया हुआ है। इसके बाद जैसे इसको तो हम चलो रखेंगे जैसे भी रखेंगे, फिर हम उसके इसकी रैपिंग वगैरह भी करेंगे, और प्रोडक्ट पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि भाई जो भी जाए किसी को भी जाए प्रॉपर वे में जाए। मैं ऊपर भी थर्मोकोल की शीट डालता हूँ, नीचे की तरफ भी डालता हूँ, और पूरा ध्यान रखता हूँ कि जिसको भी सामान जाए सेफली मिले और अच्छी तरह मिले। और ये देखिए अब ये पूरा जकड़ के रख लेता है। इसके बाद भी अगर हम ध्यान दें तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ भी थर्मोकोल शीट डाल देता हूँ, अगर जैसे दूर दूर से ऑर्डर आते हैं, कोई गांव से ऑर्डर आ रहा होता है
या शहर से ऑर्डर आ रहा होता है, तो भाई लोकेशन के हिसाब से भी पैकेजिंग अच्छी होनी ही चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया आप सबके लिए अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा ही कहूंगा। आप ऊपर से भी देखिए ध्यान से कैसा लग रहा है कैसा नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फिल्म से ना रैपिंग करेंगे। रैपिंग मीन इसको एक स्ट्रेच फिल्म कह लो या हिंदी भाषियों के लिए कह लो लपेटा कह लो, आसानी भाषा में लपेटे से हम उसको पैक करेंगे, रैपिंग करेंगे, फिर उसमें हम फजाइल की टेपिंग करेंगे। देखो कंजूसी कुछ नहीं है, बीइंग अ पंजाबी हम कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो अच्छा हो, अच्छी तरह रहे पैकिंग में, मजा आए और कोई ले तो याद करे कि टिंकू भैया क्या चीज दी थी आपने। और अभी तक भगवान की कृपा से काफी सारे ऑर्डर मैं प्रोसेस कर चुका हूँ डीजे स्टोन के, और कोशिश करो इंडियन ई कॉमर्स को मौका दो, ठीक है। बाकी कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा तो हम दे ही रहे हैं, आमतौर पर मैं 10% एडवांस लेता हूँ, बाकी जो 90% होता है वो डिलीवरी के टाइम डिलीवरी बॉय कैश लेता है। तो आपको पैकेजिंग कैसा लग रहा है, वीडियो जरूर लंबा और होगा बट एट दी एंड आपको बेसिक आइडिया हो रहा है कि हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तो लबालब थर्मोकोल की शीट डाल देते हैं हम अपनी तरफ से, तो ये देखिए ना ऊपर की तरफ, तो ऊपर से भी अब इसको हमने किसी तरह इसको कवर अप कर दिया है। और चलिए अब एक काम करते हैं, जब हम इसको फिल्म से रैपिंग करेंगे तो बाहर का नजारा दिखा देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी पैकेजिंग कैसी है कैसी नहीं। एनीवे चलिए दिखाता हूँ, मैं रैप करूंगा ना, जब प्रॉपर पेपर वगैरह लग जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा पैकेजिंग कैसी है। चलिए फ्रेंड ये देखिए मैंने अभी इसको फिल्म से रैपिंग करी है, प्रोडक्ट दिखाइए आप। और बाकी एक काम करते हैं, जब हम इसको पैक करते हैं ना नॉर्मली फ्रंट साइड की टेपिंग भी करते हैं अच्छी तरह, और सो दैट जिसको भी प्रोडक्ट जाए वो सेफली पहुंचे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा कैसा रहता है कैसा नहीं, अंदर का थर्मोकोल तो हम लगाते ही हैं, और हमारी पॉलिसी क्या होती है कि जैसे आपने प्रोडक्ट ऐसा पैक करना है जैसे अपने आप को सामान भेज रहे हैं। अगर देखो ऐसी इंटेंशन होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो सेफली पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और बाकी कोरियर के भी प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे मैं भी टेपिंग करके दिखा रहा हूँ फिल्म से रैप कर रही है। इसका फायदा क्या है, जो हमने प्रोडक्ट भेजा है एक तो एलईडी आता है, प्रोडक्ट गंदा नहीं होता, और कई लोग तो बबल्स वगैरह भी लगाते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हमने अंदर थर्मोकोल की शीट डाल दी है, तो हर एक का अपना पैकिंग का तरीका होता है। तो मेरा मानना है कि अगर बरसात आ रही हो तो अगर प्रोडक्ट बाहर से रैप्ड होगा अच्छी तरह तो सही रहेगा। अगर किसी को सैनिटाइज करने की आदत होती है तो सैनिटाइज भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। तो बाकी फिलहाल एक काम करूंगा, ऐसे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फाइनल पैकेजिंग हो जाएगी, उसका बेसिक सा एक नजारा आपको दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स मैंने देखो ओवरऑल प्रोडक्ट को पैक करके रख लिया है, आप सबको भी एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हमारी पैकेजिंग किस प्रकार की होती है। और ये देखिए इस प्रकार की थर्मोकोल की शीट डालते हैं, हाई डेंसिटी वाली शीट कहते हैं, मार्केट में सस्ती वाली भी काफी सारी आती है। आप देखिए शीट की क्वालिटी देखिए आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और अगर आप बबल्स देखें इसके जो आप दाने कह लीजिए छोटे छोटे हैं, जो सस्ती वाली शीट्स होती है उनके बड़े बड़े होते हैं। तो फिलहाल अभी हम जो भी है हाई क्वालिटी हाई डेंसिटी शीट यूज कर रहे हैं इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर कहीं सामान दूर जा रहा है, ओडिशा जा रहा है, गुजरात जा रहा है, बिहार जा रहा है, तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग शुड बी सेफ। देखिए इस प्रकार की बड़ी शीट्स लगाते हैं। तो फिलहाल हम सीओडी की फैसिलिटी तो देते ही है, जैसे मैंने बताया 10% एडवांस, बाकी 90% डिलीवरी के टाइम डिलीवरी बॉय कैश लेता है। इस तरह का ना एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ पैकेजिंग को लेकर। और ये देखिए इसमें लगा हुआ कांच का सामान, कोरियर का प्रोटोकॉल है, भारी है तो हमने लिखा हुआ हैवी हैंडल विद केयर, इस पे चढ़ना नहीं है, डू नॉट स्टेप ऑन, ये कोरियर के प्रोटोकॉल होते हैं। और फ्रेंड जब ये माल जाता है ना तो इसमें स्टिकर वगैरह भी लगाते हैं, आते हैं ना कांच का हैंडल विद केयर के, वो भी हम अलग से एडिशनल लगा देते हैं। तो फिलहाल मेरा जो मकसद था आपको बताना कि भाई इसके अंदर जो हमारी आउटर जो पैकेजिंग है वो कैसी है कैसी नहीं, बाकी वीडियो लंबी ना हो जाए, हमने अपनी तरफ से कोशिश करी, माइक्रोफोन यूज करके दिखाया, रिमोट के बारे में बेसिक जानकारी दी मैंने आपको, पैकेजिंग के बारे में बताया, बैक साइड के बारे में बताया, हीट सिंक के बारे में बताया, ट्रैक चलाया और गाना चला के थोड़ा सा मैंने माइक में नॉर्मल बोला भी था ताकि आपको कैरोके का आइडिया लग सके। मेरे हिसाब से पैसा वसूल प्रोडक्ट है, मल्टीपर्पज में काम आएगा, किसी को गिफ्ट करना है गिफ्ट करो, अगर आपको सिंगिंग करनी है सिंगिंग करो, मंदिर में चलाना है मंदिर में चलाओ, आप पे डिपेंड करता है। एक तो माइक आता ही है, दो माइक आप अलग से लगा सकते हो। ओवरऑल वीडियो शानदार लगी होगी, फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर करना, मेक इन इंडिया का उत्पादन है और गर्व से बोल रहे हैं जय हिंद जय भारत, मौका आपने ही देना है। तो फिलहाल मैं वेट करूं आपके ऑर्डर्स का, थैंक यू बाय बाय।